इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इंद्री का कड़ा का घटना या कई लोग इंपोटेंसी नामर्दगी भी लोग पहला वर्ड यूज करते पर नामर्दगी हम इस्तेमाल नहीं किए क्योंकि बड़ा होरतना लफज लगता है कि मर्द पल कुछ नहीं रहा। सो जो नवा वर्ड है वह इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। ये असं उदों कहने कि जो कोई भी मर्द अपने वाइफ या अपने पार्टनर संभोग के दौरान सैटिस्फाई नहीं कर पाता या एंटर नहीं कर पाता। आम तो सुना है कि डिवोर्स हो जाते हैं इस कारण करके भी ये कई कारण होंगे। बेसिक कारण जो 80% लोगों से पाया जाता है वह है एंगजाइटी डिसऑर्डर, घबराहट, टेंशन या दिमाग से कोई गलत फहमियां पहले पाई गई किसी हकीम वालों वैद वालों या किसी दोस्त यार ने गल दस दी जिस करके वो उस चक्कर पै जाता है कि अकड़ा आता ही नहीं है। कुछ लोगों से कारण होंगे है हारमोनल कारण जिस करके जिससे मरदाना हारमोन टेस्टोस्टेरोन घट या वध हो सकता है फिर प्रोलैक्टिन हारमोन होंगे है वो भी लैवल से फर्क पै सकता है जिस करके अकड़ा दे विच कमी पेशी आ जाती है। और जिहड़ा होर एक गंभीर कारण होंगे है वह होंगे ब्लड की सप्लाई प्रॉपर ना जाना जिन्हों आम लोग नसा कमजोर कह देंगे पर यह कारण बहुत लोगों घट से पाया जाता है। पर सगो जो मरीज किसी हकीम को होकर आता वही कहें जी डॉक्टर साहब ने कहा नसा की कमजोरी हो गई है जी जो कि गल गलत है। नसा की कमजोरी बहुत घट पेशेंट्स से है और उनका जो इलाज सिर्फ सर्जिकली है ऑपरेशन दौरान ही रही है उस बिना वह कोई इलाज नहीं है। असी जिन्ना लेट डॉक्टर को जाने प्रॉब्लम लैके उन्नी एक प्रॉब्लम ठीक करनी औखी हो जाती है। मैं अपने मरीज को एग्जाम्पल देना भी जे एक बच्चा 10वीं चो 4 बारी फेल हो गया है तो 5वीं बारी पेपर पाने की हिम्मत नहीं पैंदी। जिन्ना छेती बच्चा पढ़ाई से जोर लाने लग पैंदा जां उन्हूं टीचर चंगा रखता जाता है उन्ना छेती वह ठीक हो जाता है। सो जे किसी भी कोई प्रॉब्लम आती है एक पढ़े लिखे डॉक्टर को जाओ तो गुमराह ना करे और इलाज करे। स्टार्टिंग का इलाज बहुत ही सौखा है कुछ दवाइया दे दी तो मरीज ठीक हो जाता है। ये भी 2-3 स्टैप्स होंगे ने इलाज के। पहला स्टैप होंगे सिंपल मेडिसिन देना, सैकेंड स्टैप होंगे कि इंजैक्शन आते हैं जिन्हें रिएक्शन ठीक हो जाती है, फिर आखिरी तरीका आता है सर्जिकल। वो हार्डली 2-4% केसिस लोग पैदा बाकी मरीज अज तक मेरी प्रैक्टिस 80% मरीज तो दवाई ना ही ठीक हो गए हैं। सब तो वही गल एक हो सोचने की लड़ है कि जे प्रॉब्लम आती है ये अपने घर डिस्कस करो तो इलाज नहीं जाओ। लोग 2-2 साल बाद घर बैठे रहते हैं जो वाइफ रौला पा दें है उदों भी लोग घरों बहर निकलते हैं जब तक सब लोगों को पता लग जाता है तो लोग शर्म के मारे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बहुत जरूरी टैसट है जिन्होंने अं कहने डॉपलर पेनिस एक ही चीज़ है ये असी इंद्री की रंगीन स्कैनिंग करते हैं। पहला स्कैनिंग की जाती है इंद्री के सुते पे की फिर वो स्कैनिंग जाती है एक दवाई ला के जिन्ना इंद्री से रिएक्शन आ जाती है सूँ पता लगता है कि कोई नसा कमजोर है कि इंद्री से खून का रुहान पूरा है। सूँ पता होना चाहिए कि इंद्री से हड्डी कोई नहीं होंगी इंद्री जी अकड़ा है वह खून के रुहान करके है। ब्लड जाता इंद्री से पिछले कुछ वैल्व्स ने रुक जाते हैं ब्लड रुक देते हैं तो अकड़ा रहता है। जब तक बंदा डिस्चार्ज नहीं होता ये वैल्व्स खुलते नहीं हैं और ब्लड वापस नहीं जाता है। जो किसी भी साइकिल के दौरान ब्लड सप्लाई कोई प्रॉब्लम आ जाती है या ब्लड रोकण के छेती वैल्स खुलते हैं तो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन इंपोटेंसी हो जाती है। सो ये भी असं टेस्ट करके देखते हैं कि सच्ची वो ब्लड सप्लाई नॉर्मल जा रहा है कि नहीं जा रहा है।